हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग। आज हम फिर बात करेंगे मैंगो ग्राफ्टिंग की। देखिए, ये कुछ ग्राफ्टिंग है जो सक्सेस हो गई हैं और जो कुछ पौधे रखे हुए हैं उनकी ग्राफ्टिंग मुझे करनी है, तो उसी की जानकारी आप लोगों के लिए। तो आइए बात कर लेते हैं साइन सिलेक्शन की, कि किस तरह की साइन आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि साइन के सिलेक्शन पे ही आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होने का दारोमदार रहता है। देखिए, साइन हमेशा 6 महीने पुरानी, 8 महीने पुरानी होनी चाहिए। नई या ज़्यादा पुरानी साइन का प्रयोग ना करें। देखिए, ये दो प्लांट्स मैंगो के थे जिनको लगभग मैंने एक हफ्ते पहले आपस में ज्वाइंट किया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस पर ग्राफ्टिंग करेंगे तो इसको दो जड़ों से भोजन प्राप्त होगा और इसमें ग्रोथ तेज़ी से होगी। तो देखिए, इसी की ग्राफ्टिंग आज हम करेंगे। तो इसको हमें दो पौधे जो हमने ज्वाइंट कर रखे हैं उसको आज ऊपरी सिरा इसका हम काट रहे हैं और इसी पे हम ग्राफ्टिंग करेंगे। तो इस तरह आपको इसका ऊपरी हिस्सा काट के अलग कर देना है। और जो रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक का मतलब जो जड़ वाला पोर्शन है, उसमें हम वी कट लगाएंगे। ऊपर का जो सिरा है जहाँ से हमने उसको कट किया है उसको बिल्कुल प्लेन शार्प कर लेंगे बराबर, और फिर उस पर चीरा लगाएंगे बिल्कुल बीचों बीच वी आकार में। तो देखिए, इस तरह आपको भी इसके ऊपरी सिरे को बिल्कुल बराबर कर लेना है। और साइन, जैसा कि मैंने कहा, हमेशा 6 से 8 महीने पुरानी लें। साइन के सिलेक्शन पे ही आपके ग्राफ्टिंग का रिजल्ट सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये निर्भर करता है। तो देखिए, इसको दो हिस्से में हम बिल्कुल बीचों बीच चीरा लगा लेंगे, और चीरा लगाने के बाद साइन जो है उसको हम वी आकार में छील कर और फिर इसमें फिट करेंगे। तो देखिए, इसे मैंने दो भागों में चीरा लगा लिया है, देखिए इस तरह। तो इसी तरह ग्राफ्टिंग यदि आप करें, तो चाहे आप सिंगल प्लांट पे करें या डबल प्लांट पे करें, आपको वी आकार सबसे सरल ग्राफ्टिंग होती है। और इसी तरह देखिए, इसको मैंने दो हिस्से में चीरा लगा दिया है। अब हम साइन को छील लेंगे। तो साइन को आपको वी आकार में बिल्कुल शार्प कट लगना चाहिए, सिंगल, यानी कई बार में भी छील सकते हैं, लेकिन कट आपका हमेशा बिल्कुल बराबर ही होना चाहिए। उबड़ खाबड़ कट लगेगा तो उसकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि वो जॉइंट सही ढंग से नहीं बैठ पाएगा। तो देखिए, इस तरह आपको वी आकार में अपनी साइन, जो साइन आप फिट करना चाहते हैं कलम, उसको वी आकार में आपको छील लेना है। कट हमेशा शार्प होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उबड़ खाबड़ कट नहीं होना चाहिए। दोनों साइड की छाल लगी होनी चाहिए, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। देखिए, इसको मैं छील रहा हूँ जिस तरह, इसी तरह आपको भी छीलना है। और छीलने के बाद अपने रूट स्टॉक में हम इसे फिट करेंगे। छिले हुए भाग पे हमें हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, चाहे आप ब्लेड से करें या ग्राफ्टिंग नाइफ से करें, वो स्टरलाइज होना चाहिए, या तो नया होना चाहिए या पूरी तरह से साफ। फंगस इत्यादि का प्रभाव यदि आप उस पे हाथ लगा देंगे या पुराना या गंदा ऐसा उपयोग करेंगे तो वो सही ग्राफ्टिंग आपकी सक्सेस नहीं होगी। तो इसीलिए हमेशा अपने ग्राफ्टिंग नाइफ या ब्लेड यदि ले रहे हैं तो नई लें, यदि ग्राफ्टिंग नाइफ ले रहे हैं तो इसे स्टरलाइज कर लें, तभी उसका उपयोग करें। और कटे हुए पोर्शन पे, ना तो रूट स्टॉक पे, ना तो साइन पे हमें हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। जो भी साइन आप ले रहे हैं उसमें दोनों साइड छाल आपकी नहीं कटनी चाहिए, ये ध्यान देना है आपको। देखिए इस तरह दोनों साइड इसमें छाल लगी हुई है। और अब हम इसे इसमें फिट करेंगे। अभी थोड़ा सा गहरा कट लगाने की ज़रूरत है, अभी सही ढंग से फिट नहीं हो रहा, थोड़ा और काट के हम इसको अंदर तक बिठाएंगे।
तो ग्राफ्टिंग में जब भी साइन आप सेलेक्ट करें तो हमेशा 6 से 8 महीना पुरानी लें, नई साइन का उपयोग ना करें क्योंकि उसका सक्सेस रिजल्ट सही नहीं रहता। यदि आपको ग्राफ्टिंग में 100% सक्सेस चाहिए तो आपको 6 से 8 महीने पुरानी साइन ही लेनी है, उससे नई साइन आप ना लें। देखें इस तरह आपको फिट करना है इसे। अभी इसका रूट स्टॉक थोड़ा गहराई में कम है तो इसे हम थोड़ा सा और चीरा इसका अंदर तक लगाएंगे। अब ये ग्राफ्टिंग के लिए हमारा लगाया हुआ चूरा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे ग्राफ्टिंग टेप या पॉलीथीन स्ट्रिप की मदद से बिल्कुल एयर टाइट बांधेंगे ताकि इस पे हवा ना जाए। हवा यदि इसके अंदर चली गई तो आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हो पाएगी, ये आपको ध्यान देना है। जब भी आप इसे चाहे ग्राफ्टिंग टेप से ग्राफ्टिंग करें या पॉलीथीन स्ट्रिप से, तो आपको बिल्कुल खींच के इसे टाइट बांधना है ताकि इस पे हवा का प्रभाव ना हो पाए और पानी वगैरह ना पड़े इस पे। इसलिए हमें अभी इसे बिल्कुल एयर टाइट बांधना है, बिल्कुल खींच खींच के बांधना है ताकि ये आपस में बिल्कुल जुड़ जाएं। तो जिस तरह मैं बांध रहा हूँ इसी तरह आपको भी इसको एयर टाइट बिल्कुल बांधना है। तो डबल रूट स्टॉक में मैंगो की ग्राफ्टिंग का प्रोसेस लगभग आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आप भी यदि ग्राफ्टिंग करना चाहें तो कर सकते हैं और घर में ही अपने महंगे प्लांट्स ना लेते हुए घर पे ही अपनी मन पसंदीदा नस्ल का मैंगो प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं। और चूंकि बीज से तैयार किए हुए पौधे बहुत समय में फल देते हैं और ग्राफ्टिंग से जल्दी, तो इसे एयर टाइट बांधने के बाद हम इसे एक पॉलीथीन से कवर करेंगे ताकि इसमें ह्यूमिडिटी जनरेट हो और उसकी वजह से हमारी ग्राफ्टिंग जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए। तो देखिए हमारी ग्राफ्टिंग का प्रोसेस लगभग पूरा हो गया है, इस तरह देखिए। अब ये जब सक्सेस हो जाएगा तो फिर उसका सक्सेस रिजल्ट भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। अब ये एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है जिसे मैं इसे कवर करूँगा। कवर करने से इसमें ह्यूमिडिटी जनरेट होगी और हमारी ग्राफ्टिंग 100% सक्सेस हो जाएगी। तो आशा करता हूँ डबल रूट मैंगो ग्राफ्टिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि ऐसी ही जानकारी प्रद रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।